नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना काल में प्रदेश सरकार आम लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने में काफी संजीदा है। चाहे कोरोना टेस्ट हो या लोगों को राशन मुहैया कराने की बात हो, लेकिन गाजीपुर में इन दिनों कोटेदार प्रदेश सरकार की मनसा पर पानी फेर रहे हैं। कोटेदार कार्डधारकों मानक के अनुरूप राशन कम दे रहे हैं, जिसको लेकर आम लोगों में काफी रोष भी देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामला जिले के शादियाबाद थाना के कस्बा कोयरी गांव का है, जहां पर कोटेदार द्वारा कार्ड धारकों को 4 यूनिट पर राशन 1 किलो और 6 से 8 यूनिट पर 1.5 से 2 किलो राशन कम देकर सरकार के मनसा पर पानी फेर रहे हैं। वहीं कम राशन मिलने को लेकर कार्ड धारकों में काफी रोष है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एक दिन पूर्व इसकी शिकायत स्थानीय थाने में किया था, जिस पर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर इस बात की जांच भी किया था। मिलता है या आपको कम मिला है? नहीं, सबको कम मिलता है, हमको भी कम मिला है। कम मिला, कितना राशन कम मिला आपको? 2 किलो 3 किलो राशन ऐसा कम मिलता है। 2 से 3 किलो राशन कम मिलेगा तो 17.5-18 तक आएगा, उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये शिकायत है तो कभी शिकायत किया आपने? हाँ, बराबर बोले थे प्रधान जी से, लेकिन कोई नहीं सुना। वही हमेशा कट जाता है, 1 यूनिट कभी कट जाता है। तो शिकायत किया था आपने? हाँ, बार बार बोलते बोलते अगली बार मिलेगा, दूसरी बार मिलेगा, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। ठीक है, राशन लेने आए। हाँ, तो पता चला है कि 2 किलो कट रहा है। हाँ, मैंने उससे बोला 2 किलो क्यों कट रहा है, बोलना कि दूसरे 2 किलो इसी तरह काट रहे हैं। फिर आया था एक बार, 100 नंबर गाड़ी आई थी, वहाँ बात हुई थी, तो वो बोलना कि सब जो है 1 किलो या 1.5 किलो जो दे रहा अपने मन से हम ले रहे हैं, मगर वो उसके जाने के बाद वो जबरदस्ती 2 किलो काट रहा है। क्यों काट रहा है आप बताइए? यानी 2 किलो राशन कटा इसे, यही बवाल है? यही बवाल, मतलब 4 यूनिट 3 यूनिट जिसका है उसमें से 1 किलो 2 किलो चावल काटा जा रहा है। 2 किलो काटा जा रहा है। आप किसी जिसका 6 यूनिट है उसका 1 यूनिट पूरा गायब है। हाँ, और ये तो ये समस्या पहले रही है, अब की है। इसके बाद की समस्या ये रही है कि 12 रुपये जो है हर एक, जैसे 48 रुपया होता है 4 यूनिट पे तो लेते हैं 60 रुपये, जिसका यूनिट पे 60 रुपया होता है 10 रुपया बढ़ा के 70-72 रुपये लेते हैं। यानी यूनिट कोटेदार के द्वारा राशन कम दिए जाने की बात को राशन तौलने वाला कर्मचारी ने भी स्वीकार करते हुए बताया कि कोटेदार के लड़के मुन्ना के द्वारा किसके राशन से कितना राशन कम देना है वह बताते जा रहे थे, और मेरे द्वारा उसी हिसाब से दिया जा रहा था। यहाँ क्या कर रहे थे आप? हम तौल रहे थे। तौल करते हैं आप यहाँ पे? घर किस ग्राम सभा में, इसी में कि दूसरे ग्राम सभा में? कस्बा कोयरी में है, यहाँ तौल रहे थे। तो क्या विवाद हुआ है? विवाद ये हुआ कि 4 यूनिट में 1 किलो कम कर रहा था, 5 यूनिट में 6 यूनिट में 2 किलो कम कर रहा था। तो कौन कम कर रहा था? आप कि बता रहे थे कम करने के लिए, मुन्ना। अच्छा, मुन्ना कोटेदार के लड़के कह रहे थे कम करने के लिए, तो आप कम करके तौल रहे थे? कम करके तौल। तो विवाद कहाँ से हो गया फिर? विवाद यही हुआ कि सब जनता कहते तो भाई हमारा कम मत करिए। अच्छा, तो कह रहा है कि हम कम करेंगे भाई। जबरदस्ती कम कर रहा है? हम भाड़ा दे के लेके आए, मजदूरी दिए पैसा वहाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। मतलब आप वजन कर रहे थे और 2 किलो 1.5 किलो 1 किलो कम दे रहे थे। हाँ, जिसका पब्लिक ने विरोध किया है। 6 यूनिट पर दे रहा था 2 किलो, 4 यूनिट पर 1 किलो, 3 यूनिट पर 1 किलो नहीं कम कर रहा था। वहीं जब इस मामले पर जिला अधिकारी ओम प्रकाश आर्य से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने इस मामले पर जिला पूर्ति अधिकारी से बात करने की बात कही, लेकिन जब जिला पूर्ति अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ लहजे में इनकार करते हुए इस मामले में एसडीएम जखनिया से बात करने की बात कही गई। इस पूरे मामले की जानकारी जब जिलाधिकारी कार्यालय को दिया गया, तब कुछ देर बाद खुद जिला पूर्ति अधिकारी ने फोन कर मीडिया को बुलाया और बताया कि इस मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर को बोल दिया गया है और उनके जांच रिपोर्ट के अभी मेरी वहां बात हुई है, वहां के जो क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक हैं, तो ये अभी कोई प्रार्थना पत्र आशय का मिला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पूर्ति निरीक्षक से कहा है कि वो कल इसकी जांच कर लें, और जो भी इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसमें अगर किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उसके निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये पूरे गांव का मामला, ग्रामीणों ने इसको लेकर थाने में भी तहरीर दिया था और उन लोग की शिकायत है कि 4 यूनिट पे 1 किलो कम है और 6 यूनिट पे 1.5 किलो कम। तो ये प्रार्थना पत्र जो है थाने में लेकर के ये वहाँ
जो उपजिलाधिकारी का कार्यालय है वहाँ दिया जाना चाहिए था। इन खैर कोई बात नहीं, समस्या किसी रूप में संज्ञान में आई है तो उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई।